रहमान इब्राहिम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तानी प्लेटर बाय राबिया। आज हम बना रहे हैं मटन कढ़ाई, ईद स्पेशल मटन कढ़ाई हम बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके से इंशाल्लाह, और जल्द बन जाने वाली रेसिपी। कुकर में हम ऐड करेंगे ऑयल 1/4 कप, दो बड़े साइज के स्लाइस किए हुए प्याज ऐड कर रहे हैं। प्याजों को हमने लाइट सा भुना है, बस नरम हुए हैं, हमने ये गोल्डन नहीं किए प्याज। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं, 1-1 टेबल स्पून है। शामिल करेंगे हम मटन, 1 किलो हमने मटन लिया है बहुत ही अच्छा साफ सुथरा धो के, ये शामिल करेंगे हम। भून लेंगे हम, पाँच से सात मिनट हमने मटन को भून लिया है, ये देखें अच्छा सा कलर चेंज हो गया है। अब हम मसाले शामिल करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से हम बना रहे हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी। 1/2 टीस्पून हम शामिल करेंगे हल्दी, 1 टीस्पून शामिल करेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ही हम शामिल करेंगे कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, भुना कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा हमने शामिल किया। 1 टीस्पून ही हम शामिल करें काली मिर्च, 1 टीस्पून शामिल कर रहे हैं हम खुश धनिया, 1 टीस्पून ही हम शामिल कर रहे हैं नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। मसालों को अच्छी तरह भून लेते हैं। 5 हम मीडियम साइज के टमाटर ऐड कर रहे हैं, छिलका उतार के मैंने ऐड किए हैं टमाटर, आप साबित भी शामिल कर सकते हैं, कट लगा के साबित शामिल कर दें, उसके बाद छिलका आराम से रिमूव हो जाता है। कढ़ाई मसाला, कढ़ाई गोश्त मसाला, 1/2 लीटर हम शामिल कर रहे हैं पानी, 10 मिनट के लिए वेट लगाएंगे हम कुकर की, उसके बाद इंशाल्लाह मटन को भूनेंगे और चीज़ें शामिल करेंगे। दस मिनट के कुकर की विसल लगवाई थी, गोश्त हमारा अच्छी तरह गल गया, अभी से हम भूनेंगे। कढ़ाई में ऐड कर दिया है हमने मटन को ताकि अच्छा सा भून लें, साथ ही शामिल कर देंगे दही। साथ ही शामिल कर देंगे हम कुटा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून हम शामिल करेंगे कसूरी मेथी, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कढ़ाई, मटन कढ़ाई हो चिकन कढ़ाई हो, कवर करके पका लेंगे 5 मिनट के लिए, फिर हम इसे भून के तैयार करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 5 से 7 मिनट हमने गोश्त को भून लिया, ये देखें ऑयल भी आ गया है ऊपर, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी टेस्टी कढ़ाई बनी है हमारी। 5 से 7 में शामिल करूँगी 4-5 लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ गोल, आपको इसका टेस्ट अच्छा लगे तो आप शामिल कर दें, वरना ऐसे भी बहुत ही अच्छी टेस्टी बन के तैयार हो गई है हमारी मटन कढ़ाई। थोड़ा सा हम शामिल करेंगे 1 कप पानी, 10 मिनट के लिए और पका लेंगे अच्छी तरह, इसको अच्छे से 2-3 बॉयल आएंगे फिर इंशाल्लाह हम सर्व करेंगे। बाद हमारी मटन कढ़ाई तैयार हो गई है माशाल्लाह, ये देखें बहुत अच्छी ग्रेवी बनी है, बहुत ही बेहतरीन अच्छी सी ग्रेवी बनी है, हम सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मटन कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा गोश्त जो है ना टेंडर हुआ है, बहुत अच्छा
बोटी जो है ना हड्डी से अलग हो गई है। सिंपल तरीका है बनाने का, आप ज़रूर ट्राई करें इस ईद पे, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी ये चिकन मटन कढ़ाई की रेसिपी। गार्निशिंग के लिए हम अदरक स्लाइस की हुई डाल रहे हैं। हरा धनिया डाल रहे हैं खुशबू के लिए, जायके के लिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर ये मेरी मटन कढ़ाई की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।